नमस्कार, आप देख रहे हैं SSNews.in मुंबई का लाइव और मैं हूं VF राजपुरोहित क्रांति। छगन सिंह राजपुरोहित को प्रवासी राजस्थानियों का जबरदस्त समर्थन। मुंबई में 36 कोम की जगह जगह हो रही है सभाएं, जिसमें भाजपा के आहूर विधायक छगन सिंह राजपूत को पार्टी ने पुनः आहूर से चुनाव मैदान में उतारा है। उसको लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और आहूर की आम जनता में खुशी की लहर है। सुख दुख में सदैव साथ रहने वाले विधायक का काम बोलता है। मीरा भाईंदर में प्रवासी राजस्थानियों की समर्थन। 36 कोम ने कहा, इस बार राजस्थान में भाजपा आएगी और लोक लाडले विधायक क्षेत्र के तेजी से विकास के लिए हमारे मंत्री बनेंगे। प्रवासी राजस्थानियों ने कहा, हमारा तन मन धन से समर्थन है। सभी ने संकल्प किया कि हम मैदान में आकर वोट सपोर्ट दोनों करेंगे। पिछली बार 31,000 से जीते थे, इस बार जीत का गणित 51,000 से ऊपर ले जाएंगे। इस अवसर पर आहूर विधायक छगन सिंह राजपूत मीडिया से रूबरू हुए और समर्थन सभा में अपनी बात रखी। जन समर्थन सभा में भाजपा के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष राजकीय पुरोहित अश्विन कुमार श्रीवतला, विष्णु सिंह क्रांति, किरण सिंह शीए, सुरेश कुमार धानोर, मुकेश सिंह श्रीवतला, पवरलाल जैतपुरा, एम बम्बई, मीरा माइंदर, बोरीवली, दहीसर, मीरा रोड के प्रवासी राजस्थानी उपस्थित थे। आइए सुनते हैं भाजपा समर्थित आहूर विधायक छगन सिंह राजपूत ने क्या कहा। आज राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर मुंबई में मैं प्रवासी बंधुओं को निमंत्रण देने के लिए आया हूं और मेरा उनसे विशेष आग्रह है कि इस मंच से चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, जो भी प्रवासी बंधु इस चैनल को देखते हैं उनसे निवेदन करूँगा कि आप भी 25 नवंबर को होने वाले राजस्थान के महाफोरम में आपको वोट देने के लिए आना है। और विशेष प्रवासी भाई जो यहाँ पर हमेशा कहीं पर भी सुख दुख में सभी के 36 कौम के साथ रहता है, मुझे विश्वास है कि आप 36 कौम की चिंता जरूर करते हैं। इसलिए देश का और राज्य का भला किस विशेष है वो है मतदान करने से, और मतदान करने के लिए आपको 25 नवंबर में विशेष आमंत्रण करने के लिए मैं इसको लेकर आया जाऊँगा। आहूर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने आपको दूसरी बार टिकट दिया, उसके क्या मायने हैं? आहूर विधानसभा से जब शीर्ष नेतृत्व में कई तरह के सर्वे करवाए और सर्वे में वहां की जनता ने एक एक विषय को लेकर ये पक्ष रखा कि हमारे बीच में जो व्यक्ति पूरे 2018 से लेकर 2023 तक हर कार्य को लेकर सुख दुख से लेकर विकास से लेकर हमारे बीच में रहे, विकास भी करवाए, तो उन्हें उन्हें मौका मिलना चाहिए सर्वे में आए। तो इसी विश्वास के साथ, जनता जनार्दन के विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है और मुझे विश्वास है कि जनता के आशीर्वाद से पुनः इस 2023 के चुनाव में विधानसभा जाने का अवसर मिलेगा। आहूर विधानसभा और क्या अपेक्षाएं रखता है अभी आपसे? आहूर विधानसभा की कई अपेक्षा है। अपनी बार में 2018 से 23 तक विपक्ष में था, हमारे वहाँ मुख्य सिंचाई की बहुत बड़ी समस्या है, पेयजल को लेकर जल जीवन मिशन की बहुत बड़ी स्वीकृति आ गई है, उसको लेकर काम धरातल पर हो ऐसा हम प्रयास करेंगे। जो 2024 तक नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, हर घर पानी कैसे पहुंचे, इस विषय को लेकर आहूर विधानसभा में स्वीकृति तो हो गई है लेकिन धरातल पर कई जगह पर काम बाकी है, उसको लेकर भी करेंगे। सिंचाई के लिए जवाई पुनर्भरण की सबसे बड़ी आवश्यकता और जवाई पुनर्भरण की हमारी मांग रहेगी और उसको धरातल पर और उसको कारगर करने के लिए जो पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने 6,000 करोड़ की जो एक घोषणा की थी बजट घोषणा, उसको वापिस उस धरातल पर लाने का प्रयास करेंगे, जिससे अपने क्षेत्र का, जालौर जिले का, जालौर के साथ में सिरोही और पाली का, तीनों जिलों का भला हो ऐसा इस जवाई पुनर्भरण से। बहुत बहुत धन्यवाद।